सागर लोकायुक्त पुलिस ने परियोजना अधिकारी को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ परियोजना अधिकारी अनुराग दुबे ने आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति के मामले में 50,000 की रिश्वत की मांग की थी। रिश्वतखोर अधिकारी को पकड़ने की कार्रवाई लोकायुक्त सागर SP रामेश्वर यादव के निर्देशन में की गई। सागर लोकायुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आवेदक हरिराम ने लोकायुक्त में शिकायत दर्ज की थी कि उनकी पत्नी को आंगनबाड़ी केंद्र पिपरा में सहायिका के पद पर नियुक्त करवाने के लिए परियोजना अधिकारी अनुराग दुबे द्वारा 50,000 रुपये की राशि की मांग की जा रही है। प्राप्त राशि के आधार पर लोकायुक्त SP रामेश्वर यादव ने मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रैप दल का गठन कर राहतगढ़ भेजा। यहां पदस्थ परियोजना अधिकारी अनुराग दुबे को ट्रैप दल ने 50,000 रुपये नगद राशि की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी अनुराग दुबे पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।